बॉनी कपूर ने क्या अगर फिल्मा फ्लॉप होंदिया वा तो एदा कारण सिर्फ एक्ट्रेस है, मतलब कि वो अपना काम वधिया तरीके नाल नहीं कर रहे। इस गल नूं सुन के आर के ने भी बॉनी कपूर ते अपना निशाना तजिया ते क्या कि एदे कारण जिहड़े कि फिल्मा फ्लॉप होंदे आ बॉनी कपूर भी है, सिर्फ एक्ट्रेस नहीं। मतलब कि एक एक रिपोर्ट नूं इन्नी वधिया तरीके दे नाल ओ देखदे आ ते परखदे आ, फिर जाके ओ ट्वीट करना शुरू करदे आ भाई इहदे विच आ कमी है ते इहदे विच आ कमी है। खैर वो अलग गल है कि वो अज तक कभी सही नहीं बोलिया, ना ही बॉलीवुड वाले ना ही एक्टर वाले। लेकिन तुहानू मैं दसवां, पिछले कुछ दिनों दे विच कपिल शर्मा शो होया सी जिहदे विच बॉनी कपूर आए सी, और बॉनी कपूर ने साफ साफ शब्दों दे विच ये कहा कि अगर बॉलीवुड फिल्मां फ्लॉप हो रही तो यदा कारण एक्टर ने, वो इस करके क्योंकि एक्टर मतलब फिल्म साइन होने तो पहला ही कह देंगे कि असी सिर्फ इन्ने दिन काम करना, सानू लग्जरी भी चाहिए है ते काम दा बोझ भी वो ज़्यादा लेना नहीं चाहते, ते फिल्म सेट भी वो इस तरह चाहते हैं कि फटाफट काम हो जावे, लग्जरी सानू मिले। ते बॉनी कपूर ने साफ साफ शब्दों दे विच ये कहता कि जिहड़े एक्टर ने बस उन्हां दा एक ही मोटो हुंदा कि असी इन्नी ही टाइम दे विच जिहड़ा कि काम करना, इन्ने दिनों दे विच असी काम खत्म कर देना, इस तो ज़्यादा करना नहीं है, चाहे एक्टिंग वधिया होवे ते चाहे ना होवे, लेकिन फीस उन्होंने पूरी ही लेनी है, जिस वजह के नाल जिहड़ी कि फिल्म वधिया नहीं बनती और फिल्मां फ्लॉप हो जांदियां है। इस साफ ही साफ उन्होंने शब्दों के विच ये कहा कि एक्टर सिर्फ लग्जरी मानते हैं, काम तो उन्होंने कोई लेना देना नहीं है, इस करके अजकल की डेट के फिल्मां जिहड़ियां फ्लॉप हो रही वा, क्योंकि कोई भी अपने काम नू लैके ईमानदार नहीं है, हर कोई बेईमान है। ते ये जड़ा कि गल सी ये जदों के आर के ने सुनी, उन्होंने कहा कि मैं बॉनी कपूर ना बिल्कुल सहमत हूँ इस करके कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बॉनी कपूर को ये पूछना चाहना है कि उन्होंने जो तीन फिल्मा आई सी जिमें कि तेवर मोम ते मिली, ये भी फिल्मां फ्लॉप हुई हैं, ये कहने का मतलब है कि तुसी भी बेईमान हो, क्योंकि तुसी अपनी फिल्मां चंगी तरह बना नहीं पाए, अपने काम नूं सही तरीके से कर नहीं पाए, जिस वजह दे नाल अगर तुसी किसी होर ते निशाना बना सकते हो और कह सकते हो कि एक्टर दी वजह दे नाल फिल्मां नहीं हो रही, फिर तो असी तुहाडे ते भी ये वजह जिहड़ा कि अप्लाई कर सकते हैं कि तुसी भी अपना काम चंगी तरह नहीं करते, इस करके तुसी भी बेईमान हो। जी हाँ, के आर के ने साफ साफ शब्दों के बॉनी कपूर नू भी बेईमान कहता, उन्होंने कहा अगर एक उंगली तुसी हर किसी ते उठा रहे हो तो बाकी दी उंगलां भी ताड़े ते ही आंदियां वा, जिस कारण अगर ताड़ियां फिल्मां फ्लॉप हो रही तो तुसी भी अपने काम नू सही तरीके दे नाल नहीं कर रहे हो, ना ही अपने काम नू लैके ईमानदार हो ते अपने काम लई बेईमान भी हो। जी एसी बॉनी कपूर ने जो तो फिल्मा फ्लॉप दा कारण एक्टर नू दस दिता, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हर किसी नू कड़ीस लिता, ते उसे तरह के आर के ने भी बॉनी कपूर ते क्वेश्चन मार्क लगाता कि तेरियां फिल्मा भी फ्लॉप होंदियां ते तू भी बेईमान है। जी बॉलीवुड दे विच अजकल यही हो रहा, हर कोई एक दूसरे दे उत्ते ही मतलब कि निशाना बना रहा वा, हर किसी नू बेईमान कह रहा वा, कोई हर कोई ये कह रहा है, इहदी वजह दे नाल जिहड़ा कि नुकसान होया, इहदी वजह दे नाल फिल्मां फ्लॉप होईयां, लेकिन असली कारण की है ये कोई नहीं जानता। खैर असीं चाहांगे कि बॉलीवुड दे विच फिल्मां वधिया आंदे रहन, इंटरटेनमेंट हुंदा रहे ते बॉलीवुड इदां ही चलदे रहे। ते जे तुसीं देखना चाहते हो बॉलीवुड ते बॉलीवुड दीआं गुड न्यूज़ सुनना भी चाहते हो, देखना भी चाहते हो, तो साढ़े नाल जुड़े रहो के नाल, हाँ जी द टीवी एन आर आई एंटरटेनमेंट के नाल, मेरे नाल। सत श्री अकाल, गुड बाय।